हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मेरे सारे वीडियो ज़्यादातर एक्सपर्ट प्लेयर को बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। मोस्टली जो भी ओपनिंग्स मैं बनाता हूँ, एक ही ओपनिंग पे लगातार तब तक मैं वीडियो डालता हूँ जब तक वो ओपनिंग के सारे वीडियो सारे वेरिएशन ख़त्म नहीं होते। तो दोस्तों, मैंने लास्ट 4 वीडियोस में सिसिलियन अगेंस्ट मोरा गैम्बिट के वीडियोस आपको दिखाए हैं। आज मैं आपको उसी सिसिलियन के बारे में एक ऐसी गेम सबसे पहले बताना चाहूँगा जो मैंने खुद ने खेली है और ऑन बोर्ड बहुत अच्छे मूव्स निकाल के मैं गेम जीता हूँ। दोस्तों, सिर्फ ओपनिंग सीखने से आप टूर्नामेंट में या कोई गेम में जीत नहीं सकते। ओपनिंग सीखने के बाद मिडल गेम का प्रिपरेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी पजल्स की होनी चाहिए पहले, और तभी आपको बोर्ड ऊपर ऑन बोर्ड अच्छे मूव्स मिलेंगे। सेक्रीफाइस वाले मूव्स ही आपको गेम जिता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टूर्नामेंट में जीत नहीं सकते। कोई भी अपने आप को मान लेता है कि नहीं, मैं हर बार हारता हूँ तो कभी जीत नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं टूर्नामेंट में जो अननोन हो के आके खेलते हैं और चैम्पियन भी बन जाते हैं, तब हमें पता चलता है ये कितना अच्छा खेल रहा है। ना कि उसका फिडे रेटिंग होता है, लेकिन फिर भी उसकी गेम सबको हैवी होती है। अब आप देखिए, मेरी खुद की मैं हिस्ट्री बताऊं आपको तो 2007 में मैं जब पहली बार टूर्नामेंट खेलने गया था बड़ौदा में, मुझे कोई भी जानता नहीं था। महाराजा गायकवाड़ की टूर्नामेंट थी जिसमें मैं 11 राउंड खेल के 9.5 पॉइंट करके मैं चैम्पियन बना था। ये तस्वीरें उसी चैम्पियनशिप की है। और उसके बाद मैंने हिस्ट्री रिपीट की रिसेंटली 2022 में, 2022 में मैं फिर से उसी गायकवाड़ महाराजा की टूर्नामेंट में फिर से 10 राउंड खेल के 9.5 बना के चैम्पियन बना। इसका मेन रीज़न क्या है कि मेरा विल पावर, मैं खुद ही जाके तय करता हूँ कि ये टूर्नामेंट मुझे सभी को हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए ऑन बोर्ड में मुँह निकालूंगा। तो जब आप गेम खेलने जाते हो तो सबसे पहले तय कर लो कि मैं किसी से हारने वाला नहीं हूँ, ऑन बोर्ड मुँह निकालूंगा। और मन ही मन में आप ये तय कर लो कि मुझे जीतना ही है, तभी आप गेम जीतोगे। चाहे सामने रेटेड प्लेयर हो या आईएम प्लेयर हो या जीएम प्लेयर हो, आप किसी को भी हरा सकते हो। मैंने मेरी दोनों टूर्नामेंट में, ऐसे तो बहुत सारी चैंपियनशिप में जीत चुका हूँ, लेकिन इस दोनों टूर्नामेंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर, जो बहुत ही फेमस प्लेयर्स थे, उन सभी को मैंने हराया था। और ऐसे इजीली हराया था जब आप मान ही नहीं सकोगे। मैं आज आपको सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और सिसिलियन मोरा गैम्बिट की एक गेम दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये दोनों तस्वीर जो मैंने 2007 में चैम्पियनशिप जीती थी, महाराजा गायकवाड़ ने मुझे ट्रॉफी एनायत की थी, और 2022 में मैं फिर से हिस्ट्री रिपीट करके जीता हूँ, सेम टूर्नामेंट सेम प्लेस और सेम पॉइंट्स 9.5। तो देखिए ये तस्वीरें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं वो वाली गेम जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, सिसिलियन मोरा गैम्बिट, जिसमें e6 Ng7 वेरिएशन में काफ़ी कैलकुलेटेड सेक्रीफाइस, बहुत सारे सेक्रीफाइस इसमें आपको देखने को मिलेंगे और हर एक मूव के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। तो देखिए, e4 c5 d4 सेकंड मूव, c×d4 c3 d×c3 Nxc3 Nc6 Nf3, ये सारे नेचुरल मूव है। आपके हर एक गेम में, ज़्यादा से ज़्यादा मोरा गैम्बिट गेम में इतने मूव्स तो आ ही जाएंगे, रेयर केस में कोई मूव चेंज होता है। यहाँ पे e6 d6 ऐसे बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे कि g6, हम सारे वेरिएशन देख चुके हैं। मैं जो गेम दिखा रहा हूँ उसमें ब्लैक खेल रहा है e6, बिशप c4, a6, शॉर्ट कैसल, Ng e7। ये याद रखना, Ng e7 और e6 वाले वेरिएशन में नाइट d5 सेक्रीफाइस कभी भी आ सकता है।
तो देखते हैं कैसे आएगा। बिशप जी फाइव, यहाँ पे ब्लैक ने रिप्लाई दिया एफ सिक्स, बिशप ई थ्री, बी फाइव, बिशप बी थ्री, नाइट जी सिक्स। इसके बाद अगर आपने कुछ नहीं किया तो ब्लैक की गेम काफ़ी डेवलप हो जाएगी, जैसे कि नाइट ई फाइव और बिशप बी फोर वगैरह, बहुत सारे मूव्स है, बिशप ई सेवन, और आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तुरंत अटैक होना जरूरी है, राइट टाइम पे राइट सेक्रीफाइस होना चाहिए। ओपनिंग हो गई, वाइट ने कैसल कर दिया, ब्लैक का किंग सेंट्रल में है, दो नाइट डेवलप है और वाइट के सारे पीसेस अटैक में। अगर इस पोजीशन में आपने कुछ नहीं किया तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं नाइट डी फाइव, यहाँ पे ब्रिलियंट सेक्रीफाइस, नाइट डी फाइव मैंने दे दिया है, यहाँ पे नाइट डी फाइव सेक्रीफाइस। नेक्स्ट थ्रेट है मेरी क्वीन को ट्रैप करने का, मतलब बिशप बी सिक्स, और क्वीन के पास कोई स्पेस नहीं है। तो इसका रिप्लाई ब्लैक को फोर्सफुली पॉन टेक्स नाइट मारना ही पड़ेगा। यहाँ पे ई टेक्स डी फाइव, नाइट ई फाइव, नाइट ई फाइव के बाद नाइट टेक्स ई फाइव, ब्लैक ने यहाँ पे एफ टेक्स ई फाइव किया है, पॉन डी सिक्स, बिशप बी सेवन। यहां से शुरू होते हैं वन बाय वन सेक्रीफाइस। कैसे सेक्रीफाइस गिन सकते हैं हम? तो सबसे पहले हमने देखा कि किंग को जो ई सेवन स्क्वायर है उसे डी सिक्स पॉन ने कंट्रोल किया है। एफ सेवन स्क्वायर पे हमारा लाइट स्क्वायर बिशप पावरफुल है जो किंग को रोके रखा है। यहाँ पे किंग एकदम स्टेल हो जाता है, बिशप भी बाहर नहीं आ सकता। यहाँ पे एफ फोर, ब्लैक ने यहाँ पे ई टेक्स एफ फोर किया, और अब आप सोचोगे कि बिशप टेक्स एफ फोर, पर नहीं, एक अलग ही मूव है यहाँ पे रुक ई वन। फिर से दोस्तों बिशप बी सिक्स डिस्कवर चेक और हमें क्वीन लेने की तैयारी है। तो ये भी मूव फोर्स होगा पॉन टेक्स बिशप। अब यहाँ पे रुक टेक्स पॉन चेक, आप देख सकते हो किंग के पास कोई भी स्पेस नहीं है। तो बिशप ई सेवन ओनली मूव, और सबसे पहले क्वीन बी सिक्स नहीं आ जाए, इसलिए क्वीन डी फोर खेलना मुझे जरूरी लग रहा है। तो क्वीन डी फोर बहुत ही बेहतरीन मूव है। ब्लैक क्या रिप्लाई देगा? तो ब्लैक ने खेला है क्वीन बी एट। अब यहाँ पे क्वीन बी एट का प्लानिंग क्या है ये आपको समझना है। क्वीन बी एट का प्लानिंग ये पॉन मारना नहीं है, क्वीन ए सेवन से फोर्स एक्सचेंज में लाने का प्लानिंग है, क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी पीस प्लस हो चुका है। यहाँ पे मैंने पॉन टेक्स बिशप ले लिया, अभी भी मैं एक पीस डाउन हूँ। यहाँ पे देख सकते हो अभी भी एक पीस डाउन है। पीस डाउन में गेम जीतना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन इस पोजीशन में डिफिकल्ट नहीं है। टैक्टिकल मूव्स आपको ऑन बोर्ड निकालने होते हैं। क्वीन ए सेवन, और यहाँ क्वीन ए सेवन उसकी बहुत ही बड़ी मिस्टेक, और वन बाय वन सारे मूव्स आप देख सकते हो। बिशप एफ सेवन सेक्रीफाइस, किंग के पास कोई स्पेस नहीं है, तो किंग क्रॉस एफ सेवन, रुक एफ वन, ये मैंने दो मूव सोची है, पहले रुक एफ वन या पहले क्वीन बनाओ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन पहले ई एट प्रमोट द क्वीन। ई एट क्वीन बनाने के बाद रुक एच वाला ई एट पे आएगा, क्योंकि रुक ए क्रॉस ई एट पॉसिबल नहीं है, ये क्वीन टेक्स क्वीन फ्री में मिल जाएगी। अब रुक ए एफ वन चेक। अब किंग के पास एक ही जगह है, किंग जी एट, और फाइनल मूव जिसमें ब्लैक ने रिजाइन कर दिया क्वीन क्रॉस ए सेवन। अब देखो यहाँ पे अगर ब्लैक क्वीन रुक टेक्स क्वीन लेता है तो सिंपल रुक टेक्स रुक चेक, नाइट इंटरपोज एंड रुक चेकमेट। तो दोस्तों कैसी लगी गेम कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो शेयर करना मत भूलिए।
हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए वीडियो में। ऐसे बहुत सारे गेम्स मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन। तो ये थी सिसिलियन मोरा गैम्बिट के बेहतरीन गेम। तो आज मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आज ही के वीडियो में हम देख लेते हैं कि सिसिलियन में कई लोग डिक्लाइन खेलते हैं। डिक्लाइन मतलब मोरा गैम्बिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसके अगेंस्ट आपको कैसे खेलना है मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, क्योंकि डिक्लाइन बहुत कम लोग करते हैं, एक्सेप्टेड ही खेलेंगे। e4 c5 यहाँ पे d4 c takes d4। कुछ लोग ये मार के बाद में नेक्स्ट मूव में जब आप c3 करते हो तो नाइट f6 करके डिक्लाइन करते हैं। तो नाइट f6 में आपको खेलना है e5, उसके बाद नाइट d5, देन क्वीन टेक्स d5 और नाइट के ऊपर अटैक आएगा तो e6 यहाँ पे ब्लैक खेलेगा। e6 के बाद आपको खेलना है नाइट f3, ब्लैक नाइट c6 करेगा क्वीन के ऊपर अटैक, तो क्वीन e4, उसके बाद ब्लैक खेलेगा d6 और यहाँ आपको खेलना है बिशप b4 या फिर आप c4 भी कर सकते हो। तो इसी ओपनिंग के सारे वेरिएशंस लेके आपको अब क्या करना है कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो सभी आप इकट्ठा कीजिए, एक बुक में नोट डाउन कीजिए और ये सिसिलियन मोरा गैम्बिट वाइट से खेलने का ट्राई कीजिए। और मुझे पक्का यकीन है आपको बहुत ही मजा आएगा खेलने के, और बहुत ही अटैकिंग लाइन है। आप किसी भी कितने भी रेटेड प्लेयर के सामने अटैक से ही खेलोगे। जैसे कि ज़्यादा रेटेड के सामने अगर हम परफेक्ट ओपनिंग खेलने जाते हैं कि सिसिलियन के सामने ज़्यादातर लोग क्या खेलते हैं, तो मेन मूव है e4 c5 नाइट f3 d6 देन d4, ये सारे मेन मूव्स है। तो मेन मूव्स में सामने वाले के जो ग्रैंड मास्टर या IM लेवल के प्लेयर होते हैं उनका बहुत प्रिपरेशन होता है, जो आपको किसी भी मूव में पकड़ सकते हैं। लेकिन मोरा गैम्बिट एक ऐसी लाइन है आप उसको कभी भी टैक्टिक से हरा सकते हो। तो ये तैयारी आपको इस प्रकार करनी है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शुरुआत करूंगा स्कैंडिनेवियन डिफेंस का पूरा चैप्टर लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, जल्द ही मैं बना के आऊँगा। तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस उसके बारे में आपको एक या दो गेम अभी बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, स्कैंडिनेवियन डिफेंस मेरी बहुत ही फेवरेट लाइन है। बहुत ही गेम में स्कैंडिनेवियन से खेल चुका हूँ और बहुत सारी गेम्स जीता हूँ। मेरे जीतने का रेशियो उसमें 80% विन है। तो आपको इसलिए ये लाइन सिखाना चाहता हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो से स्कैंडिनेवियन डिफेंस यानी सेंटर काउंटर उसका दूसरा नाम है, जिसकी सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है अभी भी कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो वन बाय वन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्कैंडिनेवियन में। मेरे पूरी ज़िंदगी भर का जो नॉलेज है मैं उसमें दिखा रहा हूँ आपको। तो शुरू करते हैं, लास्ट 2 गेम जो है मेरी वो है स्कैंडिनेवियन डिफेंस के बारे में। तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस ये ओपनिंग अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ गेम दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू से सीखेंगे। उसके बहुत सारे वेरिएशंस है, यानी कि थर्ड NF3, थर्ड D4, थर्ड C4, बहुत सारे। वाइट खेल रहा है E4 यहाँ पे, तो E4 के अगेंस्ट ब्लैक से D5, ये मेरा पहला मूव होता है। पॉन टेक्स पॉन, आप देख सकते हैं इस गेम में सामने वाला जो प्लेयर है 2144 रेटिंग वाला है, मेरा रेटिंग 2157 है, मतलब मेरे बिल्कुल करीब वाला प्लेयर है, इक्वल मेरे। फिर भी कि कैसे मैं गेम जीता हूँ इसमें। नाइट f6 पोर्टुगीज, इसमें मॉडर्न वेरिएशन है नाइट f6, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। नाइट f3 इसे कहते हैं थर्ड NF3 वेरिएशन। थर्ड NF3 में मेरा कॉमन मूव है बिशप g4, यहाँ पे वाइट खेल रहा है बिशप e2, उसके बाद क्वीन टेक्स d5, नाइट c3 और यहाँ क्वीन h5। ये क्वीन का मैनोरिंग काफ़ी बढ़िया है, बहुत सारी गेम से रिस्क है लेकिन ब्लैक के फेवर में है। देखते आगे क्या होता है। h3 सरप्राइज, नाइट c6, देखो नाइट c6 ये कोई ब्रिलियंट मूव नहीं है, क्योंकि h3 से बिशप मारा नहीं जा सकता। आप देख सकते हो क्वीन टेक्स h1 रुक मिल रहा है हमें, वाइट कैसल और यहाँ पे मैं आपको सरप्राइज करूंगा लॉन्ग कैसल करके, क्योंकि
ये लाइन में बिशप सेक्रीफाइस करने के बाद ब्लैक के पास इतना अटैक रहता है कि हर एक वेरिएशन में ब्लैक की विनिंग आती है, जैसे कि एच क्रॉस जी फोर। कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें हम हार भी सकते हैं, थोड़ा रिस्क है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ओपनिंग सीखने से गेम हम जीत गए ऐसा आपको मानना नहीं है, ऑन बोर्ड आपको मूव्स निकालने पड़ते हैं। अब यहाँ पे नाइट क्रॉस जी फोर, मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा आपको सिंपल पता चल जाएगा कि नाइट डी फोर, नाइट टेक्स नाइट और क्वीन एच टू चेकमेट। तो नाइट डी फोर से बचने के लिए वाइट खेल रहा है डी थ्री। सबसे पहले मैंने सोचा कि नाइट डी फोर थोड़ा अर्ली है, क्योंकि वाइट का प्लानिंग है नाइट डी फोर के रिप्लाई में बिशप एफ फोर आएगा और वो अपना एच टू जो स्क्वायर है वहाँ पे कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने खेला है ई फाइव, बिशप एफ फोर को स्टॉप कर दिया। नाइट डी फोर हम कभी भी खेल सकते हैं। व्हाइट खेल रहा है बिशप ई थ्री और यहाँ एफ फाइव। दोस्तों यहाँ पे आप पीस डाउन हो, लेकिन अटैक आप देख सकते हो कितना किंग साइड खतरनाक अटैक है। नेक्स्ट थ्रेट में हम खेलने वाले हैं एफ फोर और धैन नाइट डी फोर, और फिर आराम से ब्लैक से हम गेम जीत सकते हैं। तो व्हाइट ने रिप्लाई दिया यहाँ पे जी थ्री, एफ फोर को उसने स्टॉप किया। अब आप देख सकते हो कि डी थ्री का पॉन यहाँ पे पिन है रुक से, तो यहाँ हम सिंपली ई फोर कर सकते हैं। ई फोर के रिप्लाई में ये नाइट एच फोर आएगा। अब बिशप टेक्स नाइट की थ्रेट है, लेकिन हमें तो यहाँ मेट की पोजीशन रखनी है, तो एक नाइट तो इधर मुझे चाहिए ही चाहिए। तो नाइट सी सिक्स वाला ई फाइव पे व्हाइट रिप्लाई दे रहा है डी फोर, तो डी फोर से ये नाइट मार तो सकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पॉन पिन है, तो हम सिंपली डेवलप करेंगे जी फाइव से। अब उसे नाइट हटाना पड़ेगा, अगर नाइट हटाया तो क्वीन एच टू चेकमेट है। तो यहाँ पे हमने जो पीस सेक्रीफाइस किया था दोस्तों, ये हमें वापस मिल गया। देख सकते हो किंग जी टू और पॉन टेक्स नाइट। व्हाइट खेल रहा है रुक एच वन। हर एक मूव आपको देखने लायक होगी इस गेम में। रुक एच वन, रुक टेक्स पॉन की थ्रेट है, तो हमने सिंपल बिशप डी सेवन और यहाँ पे पॉन को सपोर्ट किया ताकि वो पॉन टेक्स पॉन मारे, लेकिन रुक टेक्स पॉन पॉसिबल नहीं। उसके बाद व्हाइट रिप्लाई दे रहा बिशप एफ फोर। अब ये नई थ्रेट है बिशप टेक्स नाइट, क्योंकि हम नाइट से नहीं ले सकते, बिशप से हमारा भी नाइट तो पिन है। तो इसके रिप्लाई में दिया है नाइट जी सिक्स काउंटर अटैक ऑन रूक एफ फोर। नाइट टेक्स पॉन, ये क्या सेक्रीफाइस है, बहुत ही गजब सेक्रीफाइस। लेकिन इसका भी रिप्लाई मेरे पास रेडी था, नाइट एफ फोर चेक आफ्टर जी टेक्स एफ फोर, रुक जी एट और यहाँ पे वाइट ने रिजाइन। तो इतने ही मूव की गेम थी। अब आप देख सकते हो व्हाइट क्यों रिजाइन कर रहा है, क्योंकि पॉन टेक्स नाइट भी है और नाइट ई थ्री चेक में डिस्कवर चेक में उसकी क्वीन के बदली थ्रेट है। तो कैसे ब्रिलियंट गेम थी ये। मैं एक और गेम बताना चाहूँगा आपको जो आज ही खेली गई है दोनों। इसमें एंड गेम काफ़ी बेहतरीन खेली थी मैंने ब्लैक से, और इसी प्रकार आप भी गेम जीत सकते हो। तो मेरी बहुत सारी गेम्स आप देख भी सकते हो। ली चेस मेरा धर्मजी 28 वाला अकाउंट है। ई फोर डी फाइव ई डी फाइव नाइट एफ सिक्स नाइट सी थ्री, ये नया वेरिएशन नाइट सी थ्री। कई लोग नाइट एफ थ्री करते हैं, कई लोग डी फोर करते हैं। तो सभी वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में मेरे सारे वीडियो में। तो ध्यान रखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। नाइट टेक्स डी फाइव, नाइट टेक्स डी फाइव, नाइट क्वीन टेक्स डी फाइव, नाइट एफ थ्री, बिशप जी फोर। ये स्ट्रक्चर ब्लैक की फेवर में ही होता है, बहुत मजा आता है इस स्ट्रक्चर से खेलने को। बिशप ई टू, देन ई फाइव, एच थ्री, बिशप एच फाइव, देन कैसल, नाइट सी सिक्स,
नाइट इंटू ई फाइव, मैं शॉकिंग हो गया, यहाँ पे मुझे पॉन देना पड़ रहा है। मैंने बहुत कैलकुलेट किया कि ये मूव तो मैंने गिना ही नहीं था मेरे सारे वीडियो में, मतलब मैंने सारे जो प्रिपरेशन की है उसमें ये मूव तो कहीं आया ही नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि ये मूव गलत है। क्यों गलत है वो मैंने बहुत सोचने के बाद देखा। अब देखते हैं कैसे गलत हो रहा है, बहुत सारे मूव्स के बाद ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर इस मूव को रॉन्ग बताता है। बिशप ई टू, क्वीन टेक्स, देन क्वीन ई फाइव, क्वीन टेक्स, नाइट टेक्स और रुक ई वन। ये प्लान था अपोनेंट का, कितने मूव्स दूर का कैलकुलेट कर दिया है उसने। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैंने एफ सिक्स से सपोर्ट किया। डी फोर फोर्स मूव है, वरना मेरा नाइट सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लॉन्ग कैसल किया ताकि मेरा पॉन बचा रहे। पॉन कैसे बचेगा, आप देख सकते हो कि पॉन टेक्स नाइट, पॉन टेक्स पॉन और रुक टेक्स पॉन की थ्रेट है। लेकिन रुक टेक्स पॉन ब्लंडर मूव होगा। आफ्टर रुक टेक्स पॉन, रुक डी वन चेक, देन किंग एच टू और बिशप से रुक पिन हो रहा है। तो उसने पहले काउंटर किया बिशप जी फाइव, क्योंकि रुक टेक्स पॉन आप देख सकते हो कि अगर उसने रुक टेक्स पॉन किया तो यहाँ बहुत बढ़िया थ्रेट है। रुक चेक, किंग एच टू, देन बिशप डी सिक्स, विनिंग द रुक। तो सामने वाले ने काउंटर किया, लेकिन काउंटर से मेरा पॉन सेव हो जाता है सिंपल, रुक ई एट। अब उसका प्लानिंग मुझे समझ आ गया कि मेरा जो आइसोलेटेड पॉन है उसके ऊपर उसकी नज़र है, वो पॉन कैसे भी करके वो मारना चाहता है। मैंने कुछ ऐसा मूव किया है और बिशप सी फाइव, मैंने पॉन को सपोर्ट नहीं किया। काउंटर अटैक मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि काउंटर अटैक से ही गेम जीती जाती है। बिशप एफ टू की थ्रेट है रुक एफ एट आके, तो रुक डी वन और रुक एफ एट। अब उसे इसका जवाब पहले देना पड़ेगा, क्योंकि बिशप एफ टू और उसका रुक जा रहा है। उसने सामने रिप्लाई दिया बिशप ई थ्री। मैं फिर से सोच में पड़ गया, काफ़ी अच्छा मूव है वाइट का, रिप्लाई कैसे दूँ। तो यहाँ पे मैंने बिशप से पॉन को सपोर्ट कर दिया और बिशप डी फोर। अब यहाँ मुझे बहुत सोच में पड़ा, बहुत सोचने लगा, क्योंकि ये पॉन को ऑलरेडी तीन अटैक आ चुका है और मैं पॉन से बिशप मार नहीं सकता क्योंकि मेरा रुक अटैक में है। तो यहाँ पे रुक एफ फाइव सपोर्ट किया, मुझे पता है जी फोर आएगा और ये सारे मूव्स कैलकुलेट किया है। जी फोर के बाद रुक जी फाइव, आफ्टर एच फोर रुक जी सिक्स। अब आप देख सकते हो हमारा भी काउंटर हो गया, हम पॉन डाउन नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो ये पॉन लेता है तो ये सारे पीसेस एक्सचेंज करने के बाद रुक इनटू जी फोर चेक से मर रहा है। एफ थ्री किया है और यहाँ पे रुक एफ एट, एक और मूव पॉन बचाने का। अब देखो गेम एकदम स्टेडी है, हालांकि ये गेम मैं वाइट की ब्लंडर से जीता हूँ, लेकिन यहाँ ब्लैक लॉस में नहीं है। ब्लैक वाइट को भी रिप्लाई देना था बिशप से, ये पॉन मार के ये वाला पॉन देना चाहिए, या तो फिर सिंपल बिशप हटा देना चाहिए। लेकिन बिशप हटाएगा तो उसका एफ थ्री पॉन मार के हम प्लस हो जाएंगे, तो सिंपल उसे बिशप टेक्स पॉन मारना चाहिए। उसके बदले उसने क्या किया है, उसने ये नहीं देखा कि रूक मेरा बैक साइड से हट गया है, तो ये पिनिंग में से पॉन हट गया है। उसने किंग जी टू किया और बाद में पॉन टेक्स बिशप और वाइट ने यहाँ रिजाइन कर दिया। तो ये एक छोटी सी वाइट की बहुत बड़ी ब्लंडर थी, ब्लंडर के हिसाब से मैं जीता हूँ ये गेम। लेकिन इसी पोजीशन से आप आगे खेल के देखिए, आप किसी फ्रेंड के साथ ये पोजीशन रख के ब्लैक पीसेस लेके एंड गेम खेलिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक कीजिए और कॉमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे आगे भी दूसरे वीडियोज कैसे बनाने, कैसा मुझे सुधार करना है मुझे पता चलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय गुजरात, जल्द ही मिलेंगे।